vegetable coming. फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का बेसिक सक्सेस फंडा क्या रहा है और किस वजह से फेमस है ये फ्रेंचाइजी? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में, जहां हम आज बात करेंगे हॉलीवुड की स्ट्रीट रेसिंग जॉनर की बेस्ट फ्रेंचाइजी और वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवी सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस के बारे में। Fast and Furious series had been a complete success for the makers, which had completed 8 movies till date alongside one spin-off movie Hobbs and Shaw. तो आपको बता दें कि Fast and Furious franchise एक globally successful movie franchise है, जिसकी हर एक film blockbuster साबित हुई है। लगभग 20 साल तक लंबी चली आ रही इस फ्रेंचाइजी में काफ़ी फर्क आया अप्रोच को लेकर और फिल्म के स्क्रीन प्ले को लेकर भी, लेकिन जो दो चीज़ें हमेशा सेम रही हैं वो थी इस फिल्म की एक्चुअल स्टार कास्ट और फिल्म का बेसिक फंडा, जो कि है फैमिली। फ्यूरियस की स्टार कास्ट मूवी के एंड में एक साथ बैठी दिखाई जाती है एक फैमिली की तरह, जिस वजह से ये फ्रेंचाइजी यूनिटी को एक रिमार्केबल ट्रिब्यूट देती है। फैमिली के अलावा इस सीरीज में सबसे मेजर रोल रहा है इस फिल्म के स्टंट्स का और फिल्म की कार्स का भी। पूरी की पूरी फिल्म कार रेसिंग से भरपूर है और फ्रेंचाइजी अपनी हर फिल्म के साथ अपने लेवल को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। फिल्म में टैंक से लेकर एयरप्लेन्स और यहां तक कि सबमरीन तक सारे काफ़ी बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस शूट किए गए हैं। बात करें फ्रेंचाइजी के स्टंट्स के बारे में, तो कभी फिल्म में एक रेसिंग कार को तीन बिल्डिंग्स में एक के बाद एक जंप लेते हुए दिखाया गया है, तो वहीं फिल्म के सेवेंथ पार्ट में पूरी टीम ने कार्स में बैठकर एक एयरप्लेन से जंप किया था और सभी कार्स में पैराशूट लगाए गए थे। ये क्रिएटिविटी एक बहुत ही शानदार आइडिया था और फिल्म में इसे बखूबी दिखाया गया था। फास्ट एंड फ्यूरियस की इस लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए और बरकरार रखने के लिए फ्रेंचाइजी की 9th एडिशन फास्ट एंड फ्यूरियस द फास्ट सागा इसी साल 2021 में जुलाई के मंथ में रिलीज होने वाली है और फिल्म ट्रेलर ने ऑलरेडी काफ़ी बस क्रिएट किया है और हाइप ऑन द टॉप है। और आखिर हो भी क्यों ना, इस फिल्म में WWE के बहुत ही फेमस सुपरस्टार जॉन सीना डेब्यू करने वाले हैं, वो भी फिल्म के लीड एक्टर विन डीजल के छोटे भाई के रोल में। तो चलिए अब आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के बारे में और इस फिल्म के खतरनाक एक्शन स्टंट्स के बारे में क्या विचार है। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा और सुनाने का कुछ अनसुना। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के स्क्रिप्ट राइटर हैं अभिषेक मिक्की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।